गुरु नानक जयंती के दिन भारत पूरी तरह से जगमग नजर आया। इस बार यह पर्व 12 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाया गया। यह श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था। इस दौरान भारत पाकिस्तान बंटवारे के 72 वर्ष बाद पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब को भी भारत की संगत के लिए खोल दिया गया। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब वह स्थान है जहां गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। वर्ष 1539 में वह ज्योति जोत समा गए थे। श्री गुरु नानक देव जी ने दुनिया को नमो जपो कीरत करो वंड छको का संदेश देकर समाज में भाईचारा सांझ को मजबूत किया और एक नए युग की शुरुआत की। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। मैं ता कालू जी गुरु नानक दे साधु सुभा तो बड़े फिक्रमंद होए। ओ पुत्र नू किसे कम धंधे लाउणा चाहुंदे सन। खेती बाड़ी विच गुरु नानक दा दिल ना लगा। पिता ने सोचिया इस नू व्यापार विच पाउंदे आ। मंडी तो सौदा खरीदन वास्ते पिता ने गुरु नानक नू 20 रुपए दिते। गुरु नानक दूर मंडी वल जा रहे सन। रस्ते विच उना नू कुछ साधु मिल गए। उना कोल खाण लई कुछ नहीं सी। इलाके विच अकाल पिया होया सी। गुरु नानक भूख नाल तड़फदे बंदियां वास्ते भोजन खरीद लिया। सारी रकम ऐसे सच्चे सौदे उते खर्च दी। बीबी नानकी दा व्याह सुल्तानपुर लोधी दे भाई जयराम नाल होया सी। मैता कालू जी ने अपने जवाई नाल गुरु नानक बारे गल कीती। इस नानक दा दिल किसी काम धंधे विच नहीं लगदा। पता नहीं इस दी बिरती केड़े रब नाल जुड़ी रहिंदी है। नानक नू गुस्से ना होना। खरे कोई देवता स्वरूप बंदा है। कमाई दा साधन भी। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।